सिटी इंडिया। तो मुफ्ती सलमान अजहरी के वकील वाहिद शेख का कहना है कि मुफ्ती सलमान अजहरी पूछताछ में सहयोग करने को तैयार है। पुलिसमैन सिविल ड्रेस में, सिविल यूनिफॉर्म में मुफ्ती साहब के घर पे थे सुबह में। हम लोग जाने के बाद में हम लोगों ने पूछा कि क्यों आए हैं, क्या है, तो बोले नहीं आप उनको बुलाओ तो ही हम लोग आपको बताएंगे। काफ़ी बार हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर क्या मामला है, तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। मुफ्ती साहब ने कोऑपरेट किया, लेकिन अभी तक मुफ्ती साहब को इल्लीगली तरीके से डिटेन करके रखा हुआ है। कुछ बता नहीं रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद है। काफ़ी लोग ने यहाँ पर प्रोटेस्ट भी किया, पीसफुल प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन किसी की भी तरफ से, कमिश्नर भी आए, एडिशनल सीपी साहब भी आए, लेकिन हम लोगों ने सबको रिक्वेस्ट किया कि सर आप 41A का कंप्लायंस कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, रूलिंग है, जो ट्रांसिट एंटीसिपेटरी बेल 15 डेज का हम लोग को मिलता है, हम लोग वो लेके कंप्लाई करेंगे। तो मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद लोगों ने थाने का घेराव किया। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर कौन है ये मुफ्ती सलमान अजहरी और क्यों उनके खिलाफ ये केस दर्ज किया गया। सबसे पहले आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, मुफ्ती सलमान अजहरी मुंबई के रहने वाले इस्लामिक स्कॉलर बताए जा रहे हैं। 31 जनवरी को गुजरात के जूनागढ़ में एक सभा में वो पहुंचे थे। मुफ्ती पर संबोधन के दौरान भड़काऊ बयान देने का आरोप लगा। गुजरात पुलिस ने मुफ्ती प्रोग्राम आयोजक के खिलाफ केस भी दर्ज किया। सेक्शन 153 के तहत धार्मिक भावनाओं को भड़काने का जो है पूरा मामला दर्ज किया गया। इतना ही नहीं, गुजरात एटीएस ने मुफ्ती को मुंबई के घाटकोपर से गिरफ्तार किया। तो मुंबई के घाटकोपर थाने का घेराव करने पहुंचे मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थकों को हटाने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग भी किया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर थाने के बाहर जुटी भीड़ को भगाया। मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी की जानकारी जैसे ही उनके समर्थकों को लगी थी, हजारों की तादाद में पुलिस स्टेशन के बाहर उनके समर्थक जुट गए थे, जिसके बाद भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा। हालांकि मुफ्ती सलमान अजहरी ने थाने के अंदर से ही माइक के जरिए अपने समर्थकों से अपील जरूर की थी कि यहाँ भीड़ ना लगाएं और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी मदद करें। तो मुफ्ती सलमान अजहरी के वकील आरएस सिद्दीकी का ये कहना है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को 2 दिन के रिमांड पर भेजा गया है, उन्हें गुजरात के जूनागढ़ ले जाया जाएगा। एप्लीकेशन किया था कि इनका ट्रांसिट रिमांड दिया जाए, जिसको हमने अपोज किया, और हमने ये भी कहा कि इलीगली डिटेन हुए थे इनको, हमारे को जो नोटिस देना चाहिए बाय लॉ, उन्होंने वो नोटिस नहीं दिया था 41A का CRPC के तहत, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी है उसके ऊपर, अग्निश कुमार करके, वो स्ट्रिक्टली बोलता है, उसमें ऐसा लिखा गया है कि किसी भी आदमी का अगर 7 साल के तक का ऑफेंस है तो उनको पहले नोटिस दिया जाए, अगर वो नोटिस का पालन नहीं करते हैं तो उसके बाद आप अरेस्ट कर सकते हैं। तो उनको ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया था। कितने दिन का रिमांड मिला? 2 दिन का ट्रांसिट। अभी कहाँ लेके जा रहे हैं? हमें ऐसा बताया गया कि जूनागढ़ कोर्ट लेके जा रहे हैं। तो सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया जा चुका है। उनके वकील का ये साफ तौर पर कहना है कि देखिए अभी जो है फिलहाल बातचीत जारी है, हम ये कोशिश कर रहे हैं जानने की कि आखिर किन धाराओं में जो है मामला दर्ज किया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि जूनागढ़ ले जाया जाएगा। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भड़काऊ बयान देने का आरोप सलमान अजहरी पर लगा है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो समर्थक थे सलमान अजहरी के, उन्होंने थाने को घेर लिया, थाने के बाहर नारेबाजी की गई। और इतना ही नहीं, अब पुलिस को उसके बाद लाठी चार्ज करना पड़ा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, लेकिन फिर भी वहां से लोग नहीं हटे। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भड़काऊ बयान देने के बाद। तो जानकारी आपको यह भी दे दें कि देखिए जूनागढ़ जो है सलमान अजहरी को लेकर पुलिस पहुंच चुकी है। 2 तस्वीरें आपके सामने है। ये वो शख्स है जिसकी तरफ से लगातार भड़काऊ बयान दिए गए, जिसके बाद अब इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद समर्थकों की तरफ से थाने का घेराव किया गया, नारेबाजी की गई।